हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि हमें दे रखा है इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्यू बेसिक की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्यू बेसिक जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज़ हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए भी हम करते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं बेसिक टर्म्स के बात करें तो इसकी। तो सबसे पहले अगर तीन इंट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसके बारे में हम आज ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंट्रक्शन गिव टू द कंप्यूटर टू डू ए टास्क। एक टास्क होता है, एक अगर टास्क के साथ एस लगा दें तो ये हमारा बन जाएगा टास्क। तो इस तरह के हम टास्क का यूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। एक कंप्यूटर रिक्वायर्ड प्रोग्राम ऑफ फंक्शन, एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रिलेटेड डाटा फ्रॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसकी अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। इसी तरह से एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, अगर कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें, यहाँ पे हमने टास्क दिया है ओनली अगर बात करें हम। लेकिन अगर कंप्यूटर के प्रोग्रामर की बात करें, प्रोग्राम में टास्क है। अगर हम प्रोग्रामर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, सभी के साथ एस लगा हुआ है, एनालिसिस, टेस्टेड, राइटिस, रेफरेंसेस, ये सब जो है हमारे प्रोग्रामर बन जाते हैं। अगर इसके बाद लैंग्वेज की बात की जाए तो कंप्यूटर की लैंग्वेज की जो बात की जाए तो वो क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं लैंग्वेज कोई भी लगा लो, जैसे हम हिंदी भी ज़्यादा अगर बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास जो लैंग्वेज है। बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। दे आर ऑन लैंग्वेज ऑन सिंटैक्स सम कॉमन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे क्या बेसिक है, फोरट्रन है, लोगोस है, C++ है, HTML है, ETC है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, सिर्फ ये लैंग्वेज को, आपको सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करने हैं तो आप इन लैंग्वेज के कोडिंग कर सकते हैं, ना कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, फ्रेंच, जर्मन और इनके बारे में। तो अगर बात करें अगर हिस्ट्री की इसके, तो हिस्ट्री जो है क्या वो बेसिक की 2 पर्सन ने बनाया था, जेंस कैमिनी और थॉमस कुर्तेज में। डेवलप किया गया था इसको 1964 में, इसको डेवलप किया गया लैंग्वेज को। The name of the language as basic. Basic stand for Bagnaia's all purpose symbolic instruction code. The language was revised and updated from time to time. Some of the popular version of basic are Tiny Basic, for example, दे रखा है जैसे MITS, Altair series of computers. तो इस तरह की लैंग्वेज जो है हमारे पास बना के दी गई है, VB6। तो ये तो है क्या बेसिक की बात करें तो 2 पर्सन का आपने नेम याद रखना है, जेम्स जॉन एंड थॉमस का, जिन्होंने इसको डेवलप किया था 1964 में। तो नेक्स्ट अगर बात करें हम इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड में इन्होंने क्या बता रखा है कि प्रोग्राम को कैसे आप राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं 6th क्लास में हूँ, आपको भी प्रोग्राम के बारे में इसका जो राइट करने का तरीका है वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास लेटर, नंबर, स्पेशल करेक्टर, ऑल टाइप्स के हमारे पास जो करेक्टर हैं वो यूज होते हैं। ठीक है जी, देखिए आपको यहाँ पे दिखा रखा है ऑल टाइप्स ऑफ करेक्टर किस तरह से यूज होंगे। अभी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है और सिर्फ आपको इसको इंट्रोडक्शन और सिंपल ही थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हमें दे रखा है डाटा टाइप, जो डाटा टाइप है वो कांस्टेंट और वेरिएबल टाइप में होते हैं। 2 प्रकार के हमारे पास डाटा होते हैं, जो डाटा के टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की बात करें कि ये वैल्यू को डज नॉट चेंज और कैन नॉट बी चेंज बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम। समझ में आ गई बात कि जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। अगर इस तरह से वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल इज डाटा हुज वैल्यू कैन बी चेंज बाय द यूज़र एट द टाइम ऑफ द रनिंग प्रोग्राम। अगर वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर डाटा कैन आल्सो डिवाइडेड इंटू न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। न्यूमेरिक डाटा
हमने इसको डाटा को भी दो टाइप में, टू टाइप्स में डिवाइड कर लिया, जैसे न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक में। अगर न्यूमेरिक डाटा की बात की जाए तो ये जो है एक ही टाइम में प्रेजेंट रहेंगे, ओनली नंबर में, और दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये नंबर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। इट कैन आल्सो इंक्लूड डेसिमल। अब डेसिमल के बारे में बताऊंगा कि जैसे आपको डेसिमल नंबर की भी जरूरत पड़ेगी, अल्फा न्यूमेरिक की भी जरूरत पड़ेगी और स्ट्रिंग की भी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं सभी इसके बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, न्यूमेरिक नंबर जो है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डेसिमल की बात की थी, वो भी आपको यहीं पे आएंगे, जैसे 2.02, ये इस तरह के नंबर जो है हमारे, और हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया है, अलग न्यूमेरिकल में अलग से, वेरिएबल में अलग से, अल्फा न्यूमेरिक अलग से, स्ट्रिंग कॉन्स्टेबल पे। तो आपने इस सभी को एक बार रीड कर लेना है, सारी बात जो है इसके अंदर आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रूल क्या है इसके, रूल के बारे में आपने एक बार पढ़ लेना है। जैसे वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद ए लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड। जब भी हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग नेम को लिखेंगे, जैसे हम सबसे पहले हम लिखते हैं कि आपको फिल इन कैपिटल, तो हमने फुल जो है कैपिटल लेटर में ही इसको फिल करना होता है। अगर आपको बोला गया है कि हम इसको स्मॉलेस्ट में भी फिल कर सकते हैं, अगर लिखा होगा फिल कैपिटल तो कैपिटल में ही आपको उसको फिल करना है। सिंबल की बात करें, लेटर की बात करें, किस तरह से लेने हैं, कितने करेक्टर लेने हैं, किस तरह के करेक्टर लेने हैं, वो सब इसके अंदर लिखे होंगे आपको। जब भी हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तभी हमें ये सब क्लियर हो पाएगा। अगर हम ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर में जो वेरियस ऑपरेटर दे रखे हैं हमें, तो ऐड, सब्ट्रैक्टर, मल्टीपल, डिवाइड, पावर, तो ये सब हमें यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम इसको आपको बोर्ड पे भी समझाया है कि पावर किस तरह से ली जाती है, डिवाइड कैसे किया जाएगा, मल्टीपल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, सब्ट्रैक्ट में कैसे लिया जाएगा, ऐड कैसे किया जाएगा टू नंबर्स को। ठीक है जी, लास्ट टाइम मैं इसको बोर्ड पे भी आपको करवा चुका हूँ कि टू नंबर्स को अगर ऐड करना है क्या वैल्यू रहेगी, सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या वैल्यू रहेगी, मल्टीप्लाई करना है तो क्या वैल्यू रहेगी, डिवाइड करना है टू नंबर्स को तो क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है जी, तो ये छोटा सा ही हमारा एक चैप्टर है, जो कि बिल्कुल स्मॉल चैप्टर है, क्या बेसिक के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखी है। फिलहाल हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका पूरा, तो उसके अंदर हम इसको एक बार यूज़ भी करेंगे। अगर रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर किस तरह से इक्वल यूज़ करेंगे हम, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो दे रखे हैं। ये देखिए, जैसे इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन टू इक्वल, ग्रेटर देन टू इक्वल, नॉट इक्वल, एंड और नॉट, ये सारे हमारे पास यूज़ करके हैं। जैसे ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, कुछ आपको ये सिंबल भी बना के दिखा रखे हैं इनके, और कुछ शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही तक है हमारे पास, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ी है हमने इसकी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो क्या बेसिक है वो कौन सी लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस चीज़ का सभी ने ध्यान रखना है। और हमने बेसिक टर्म के अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।